Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म का प्लास्टिक की आलूदगी से निमटने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का प्लास्टिक रिसाइकिलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी को फ़रोग देने की अहमियत पर भी जोर। शहर कायद का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईम का कहना है कि के इलेक्ट्रिक से नया मुहायदा नहीं होना चाहिए, इस अफरियत से हमारी जान छुड़ाई जाए। जहांगीर तरीन ने ग्रुप रहनुमाओं का मशावरती इजलास दोबारा तलब कर लिया। पार्टी के नाम को हतमी शक्ल देने से मुतालिक हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। असद उमर का कहना है कि जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी रबते में है। अमेरिका और कनाडा में पाकिस्तानियों के ट्रैवल एडवाइजरी की हकीकत सामने आ गई। फेक ट्रैवल वार्निंग से मुतालिक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की वजाहत। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान से मुतालिक दुरुस्त मालूमात और अलर्ट वेबसाइट्स पर दस्तियाब हैं। बहीरे अरब में समंदरी तूफान का इम्कान। सिंध बलोचिस्तान की साहिली पट्टी और अमान और गुजरात को मुमकिन खतरा। महकमा मौसमियात की कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. وزیر اعظم شہباز شریف نے پلاسٹک کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے عالمی تھیم کے تحت فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پلاسٹک کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے عالمی تھیم کے تحت فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان پلاسٹک کو مرحلہ وار ختم کرنے کے عزم میں عالمی برادری کے ساتھ ہے۔ ماحولیات کے عالمی دن پر اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان میں پلاسٹک کے فضلے کو کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 70% پلاسٹک کے فضلے کو غلط طریقے سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ حکومت استعمال شدہ فضلے کو ٹھکانے لگانے کے اقدامات کو فوری ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ حکومت نے ماحول دوست متبادل طریقہ کار اپنانے کو ترجیح دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پلاسٹک کی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے قانونی طریقے استعمال کر رہی ہے۔ حکومت قومی اور بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ فعال طور پر کام کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں ون یوز پلاسٹک کا استعمال بند کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ استعمال شدہ پلاسٹک کو مرحلہ وار ختم کرنے کے لیے ایک جامع فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی طرح تمام وزارتیں اسے ختم کرنے اور محدود کرنے کے اقدامات کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی وزارتوں اور تمام ڈویژنز میں پیٹ بوتلوں کے استعمال کو محدود کیا جائے۔
वजीर आजम ने प्लास्टिक रिसाइकिलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी को फरोग देने की अहमियत पर भी जोर दिया। दूसरी जानब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई बैन अलाक्वामी जराए ब्लाग के साथ अपने इंटरव्यूज में खुलेआम और जानबूझकर गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि 9 मई के बाद के वाकयात को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी एहतजाज के हक को सल्ब करने के तौर पर उनकी वजाहत ना सिर्फ गुमराह कुन है, उसका मकसद मुल्क से बाहर राय साजों को जोड़ तोड़ और उन पर दबाव डालना है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि हर मामले में कानून के तहत मुनासिब तरीके से निपटा जाएगा। पाकिस्तान इंसानी हकूक से मुतालिक अपनी तमाम आईनी और बैन अलाक्वामी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहतराम और पाबंद है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी, शहर कायद का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी, शहर कायद का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। उन्होंने कहा कि कराची के आवाम का मुकदमा लड़ूंगा, पता लगाया जाए किस किस ने हमारे टैक्सों के पैसे खाए, कौन कौन सी हुकूमतें इसमें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमारा सबसे रब्ता है, पार्टियों के अपने फैसले होते हैं। कराची के आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली का है, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग हो रही है। KESC की निजकारी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरख्वास्त सेरे समात है। जमात इस्लामी कराची के अमीर ने हुकूमत से के इलेक्ट्रिक के ऑडिट का मुतालबा करते हुए कहा कि इससे बिजली तकसीम का नया मुहैदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कंपनियों का मुहैदा रियासत के साथ होता है, ये खराब प्लांट चलाते हैं। ये इसलिए मफाद आमा का केस है कि कई कई घंटों की बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, इस अफरियत से हमारी जान छुड़ाई जाए। 2015 में हीट वेव में मुतादित लोग जा बहक हुए, ये कराची है जो मुल्क की मईशत चलाता है। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि नून लीग को देखना चाहिए कौन सी जमात कराची की खिदमत करेगी, ये अपनी अक्सरियत पूरी नहीं कर सकेंगे, शहर इक्तदार का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक ही पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी चीज मुल्क में कोई नहीं है, नैपरा की हर जमात में सिर्फ जमात इस्लामी शरीक होती है। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी के क्याम के मामले पर ग्रुप रहनुमाओं का मशवरती इजलास दोबारा तलब कर लिया। पार्टी के नाम को हतमी शक्ल देने से मुतालिक हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी के क्याम के मामले पर ग्रुप रहनुमाओं का मशवरती इजलास दोबारा तलब कर लिया। पार्टी के नाम को हतमी शक्ल देने से मुतालिक हतमी फैसले किए जाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन ग्रुप के अराकीन और PTI छोड़ने वाले रहनुमाओं की जानिब से नई पार्टी के लिए 3 नाम जेर गौर हैं, जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, आवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नाम शामिल हैं। वाजह रहे कि जहांगीर तरीन मौजूदा सियासी हालात में इंतहाई सरगर्म है। वो सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अहम रहनुमाओं और अराकीन असम्बली से भी मुलाकातें कर चुके हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद के जिला कचहरी में पेशी के मौके पर असद उमर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा है कि जहांगीर तरीन ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया। साबिक जनरल सेक्रेटरी PTI ने कहा कि जेल से आए 7 से 8 दिन हुए हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं। फवाद चौधरी मुझसे वक्तन फवक्तन रबते में रहते हैं। सहाफी ने असद उमर से सवाल किया कि फैसल वाबडा किस एजेंडे पर है, जिसका जवाब देते हुए असद उमर ने कहा कि ये सवाल फैसल वाबडा से पूछें। अमेरिका और कनाडा में पाकिस्तानी नजात शहरियों की ट्रैवल एडवाइजरी झूठी निकली, जाली प्रोपेगेंडे की अमरीकी महकमा खारजा ने भी तरदीद कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका और कनाडा में पाकिस्तानी नजात शहरियों के ट्रैवल एडवाइजरी झूठी निकली, जाली प्रोपेगेंडे की अमरीकी महकमा खारजा ने भी तरदीद कर दी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने वजाहती बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से मुतालिक दुरुस्त मालूमात और अलर्ट वेबसाइट्स पर दस्तियाब हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में बताया कि जाली सफरी वार्निंग से आगाह हैं। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरियों के लिए सरकारी ट्रैवल एडवाइजरी सिर्फ ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए जारी की जाती है। महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई करते हुए कहा बारिश का कोई इम्कान नहीं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई करते हुए कहा बारिश का कोई इम्कान नहीं। ताहम माहरीन मौसमियात ने बुहीरा अरब में समंदरी तूफान
बाय पर जॉय बनने का इम्कान है, जिससे सिंध की साहिली पट्टी को मुमकिन खतरा है। दूसरी जाने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रोप, मूसाखेल, बारखान, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात की आज से लाहौर में 3 दिन तक बारिश की पेशगोई की गई है। तफसीलात के मुताबिक कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से बयान में कहा गया है कि कराची में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, ताहम शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात का कहना था कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड, हवा में नमी का तनासब 60%, जबकि 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। दूसरी जानिब माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जनूबी बहीरा अरब में हवा का कम दबाव बन गया। 10 या 11 जून को यह हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन सकता है। इस तूफान से सिंध, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी और अमान और गुजरात को मुमकिन खतरा है। साइक्लोन का नाम बांग्लादेश के तजवीज़ करदा अल्फाज पर बाय पर जॉय रखा गया है, जिसका मतलब तबाही के हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khushamdeed. Ek China se abhi tak corona case Pakistan mein nahi aaya. Kisi jarnail se sawal poocho to qaumi salamati ke upar hamla. Ab maine inke piche jana. Apna na laiki ko chupana. अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा, तनाकादी, कौकब फारूकी, हर्जी जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।